अगर गाड़ी का पावर स्टीयरिंग सिस्टम फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हम गाड़ी को आगे बढ़ा पाएंगे? या कभी कभी मन में ऐसा सवाल भी आता है, चलते चलते अगर हमारा पावर स्टीयरिंग फेल हो गया तो क्या हम गाड़ी को आगे चला पाएंगे या नहीं पाएंगे? तो ऐसा बहुत सारे सवाल हमारा मन में घूमते हैं। ऑलरेडी हमारा चैनल में पावर स्टीयरिंग अगर अचानक हार्ड हो गया तो उसमें क्या करना चाहिए, उसी को लेके वीडियो है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं, या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में आपका जो भी सवाल है उसका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम पावर स्टीयरिंग फेल होने के बाद गाड़ी चला सकते हैं या नहीं, अगर चला सकते तो किस कंडीशन में चला सकते हैं, या कैसे उसको चलाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत करता हूं आपको चैनल ऑटो एक्सप्रेस में और मैं हूं सुरजीत। तो शुरुआत में आपको बता दें, कार सेगमेंट में जो स्टीयरिंग सिस्टम रहता है वो फुल्ली पावर स्टीयरिंग सिस्टम रहता है। अगर उसमें आपको पावर स्टीयरिंग सिस्टम फेल हो गया तो आप गाड़ी को स्टीयर नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपको वहीं पे मेंटेनेंस या रिपेयर करने का जरूरत पड़ता है। जिस कार में अगर आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर या एक्चुएटर के द्वारा आपको स्टीयर होते हैं, अगर वहां पे इलेक्ट्रिकल कुछ फॉल्ट आ गया या मोटर में कुछ खराबी आ गया तो आप गाड़ी को नहीं चला सकते, क्योंकि गाड़ी स्टीयर होगा ही नहीं बिना इलेक्ट्रिक मोटर या एक्चुएटर सही किए बिना। अगर हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात आ जाए, जहां पे ट्रक या बसेस रहते हैं, आपका पावर स्टीयरिंग का जो पाइपलाइन है वो फट गया है या कोई कारण से पावर स्टीयरिंग हार्ड हो गया, तो उस कंडीशन में हम गाड़ी को आगे ले जा पाएंगे या नहीं? तो अगर पावर स्टीयरिंग फेल होने के बाद हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में क्या है, जी हाँ, आप जरूर गाड़ी को आगे ले जा पाएंगे। तो कैसे? तो पहले शुरू आपको बता दे, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में जो स्टीयरिंग सिस्टम रहता है वो है पावर असिस्टेड मैनुअल स्टीयरिंग सिस्टम, यानी आपका स्टीयरिंग सिस्टम जो है वो मैनुअल है, बट उसको असिस्ट यानी उसको और इजी बना रहा है क्या, पावर जाके यानी हाइड्रोलिक वाल जाके। सो अगर आपका पावर पोर्शन खराब हो गया, यानी आपको ऑयल रिजर्वर फट गया या ऑयल पंप बराबर पंप नहीं कर रहे, स्टीयरिंग का पाइप फट गया, कोई भी कारण से आपको ऑयल बाहर चला गया, तो क्या होगा, आपका स्टीयरिंग तुरंत हार्ड हो जाएगा। तो आप सोचेंगे मेरा पावर स्टीयरिंग फेल हो गया, बट एक्चुअली पावर पोर्शन फेल हुआ बट पूरा स्टीयरिंग सिस्टम बिल्कुल फेल नहीं हुआ। आप आराम से गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं बट बहुत केयरफुली है, क्योंकि पावर जब भी फेल हो जाता है वो स्टीयरिंग तब मैनुअल सिस्टम हो जाता है। अब पुराना जमाने का गाड़ी देखा होगा, 20-25 साल पुराना गाड़ी जो मैनुअल स्टीयरिंग है, जैसा आप थोड़ा सा मूव करेंगे तभी स्टीयरिंग आप कट पाएंगे, बिल्कुल खड़े जगह में स्टीयरिंग बिल्कुल नहीं कट पाएंगे क्योंकि वो मैनुअल स्टीयरिंग। तो आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, अब आराम से धीरे धीरे गाड़ी को मैनुअल स्टीयरिंग के द्वारा आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा गाड़ी में जो स्टीयरिंग सिस्टम रहता है वो पावर असिस्टेड मैकेनिकल स्टीयरिंग, जो कि पावर अगर फेल हो गया तो भी हमारा स्टीयरिंग सिस्टम काम करेगा, अगर पावर रहेगा तो बेहतर काम करेगा। ये जो एडवांटेज है ये छोटा कार में नहीं है, क्योंकि कार का जो स्टीयरिंग, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको फुल्ली इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग होगा तो इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम होगा तो स्टीयरिंग बिल्कुल लॉक, अगर फुल्ली हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होगा या फुल्ली पावर स्टीयरिंग होगा तो उस कंडीशन में भी अगर आपको पंप वगैरह फेलियर हो गया या स्टीयरिंग फ्लूइड जो है वो बाहर कैसे भी गिर गया, पाइप फट गया, तो उस कंडीशन में भी आपको स्टीयरिंग जो है बिल्कुल लॉक हो जाएगा। बट हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में ये फैसिलिटी है कि अगर आपको पावर स्टीयरिंग कैसे भी फेल हो गया तो मैनुअल आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप इस जानकारी आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगे तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना और बने रहना हमारा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।